बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक टाइम था आज से कुछ साल पहले, $1 शॉप और 1 पाउंड शॉप की बहुत ज़्यादा एकदम धूम मची थी। और वाकई जो नॉर्मल तबका था उसके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि एक शॉप के अंदर बहुत कुछ इकट्ठा देखने को मिल जाता था और इंसान ले भी लेता था। जैसे जैसे पाउंड और डॉलर का रेट बढ़ता गया, अब वो शॉप्स बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन अभी भी जहां जहां मौजूद हैं लोग वहां से जाके जरूर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि फिर भी जितनी ज्यादा महंगाई होगी है, ये 1 पाउंड शॉप और 1 डॉलर शॉप में जाके आप बहुत कुछ ले सकते हैं। मैं इस वक्त एक 1 पाउंड शॉप में, 1 डॉलर शॉप पे खड़ी हूँ बेसिकली, और ये चाइना मार्केट में है एंड सेवर फूड के सामने ये शॉप है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे आइटम्स देखने को मिल रहे हैं जो हम लोग नॉर्मल लेने जाएं तो डेफिनेटली ज्यादा महंगे होंगे। इस वक्त डॉलर का रेट 275 है, तो यहाँ पे हर चीज 275 में मिलेगी। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी पीछे आप देख के आए हैं बच्चों के टॉयज, जो कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उनके लिए टॉयज यहाँ पे मौजूद हैं। किचन की एक्सेसरीज यहाँ पे है, स्पेशली स्टोरेज आइटम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है देखने को मिल रहे, और ये भी 1 डॉलर में है। अगेन इस साइड पे अगर आप देखें तो टॉयज मौजूद है, कुछ डेकोरेशन आइटम्स भी यहाँ देखने को मिले हैं, जैसे ये किचन होल्डर। और ऐसे छोटे छोटे हमें बहुत सारे आइटम्स देखने को मिले हैं, जैसे ये मैट देखें, फुट मैट, कितने मजे की चीज मुझे देखने को मिली है। ये मिनी चॉपर है, छोटा सा, आपने सलाद बनाना है, घर में छोटा मोटी चीज चॉप करनी है, ये बहुत यूजफुल आइटम है। एंड अगेन 275 में, क्या बुरा है, बहुत अच्छा। और ये मिनी स्ट्रेटनर, ये आपके ट्रैवलिंग बैग में बहुत इजीली आ सकता है, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े आइटम्स तो नहीं लेके जा सकते, ये बहुत यूजफुल चीज मुझे नजर आ रही है। चलता सही है ना बेटे, ये अभी भी मुझे कश्मीरी। अच्छा ठीक ठीक जी बेटे, ये क्या चीज है मैम? ये वो है जो बटन, स्टील के बटन वगैरह होते हैं जो काले हो जाते हैं, ये उनको साफ करने के लिए चाइना से इंपोर्ट करवाया। ये गाड़ी के टायर हो गए, गाड़ी के टायर बिल्कुल यूज कर देता है वकील, बिल्कुल। अच्छा इस पे देखें, ये बर्तन वगैरह बने हुए भी हैं, सो होपफुली ये वर्क करता हो तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज है। ये हमारे दूसरा कार्टन आ चुका है। अच्छा ये दूसरा कार्टन आ गया, दिस मींस ये वाकई यूजफुल चीज है, दैट्स ग्रेट। काफी सारे यूजफुल किचन आइटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब आप एक जगह पे आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो घर की यूज की होती हैं लेकिन नॉर्मल आपके माइंड में नहीं आ रही होती, जब एक जगह पे आपको इकट्ठे नजर आती हैं तो डेफिनेटली आप उधर से कोई ना कोई चीज जरूर लेते हैं। और अभी भी आप बाहर जाके देखें तो ये 1 डॉलर शॉप के रेट्स बाकी जगहों की निस्बत हमें सस्ते ही मिलते हैं, क्योंकि अब जब महंगाई आई है तो हर चीज पे ही आई है। ये बेल्ट्स आप देख सकते हैं। अच्छा बेल्ट्स की कीमत भी मैंने मोती बाजार पे चेक की है, वो अबाउट 400 के करीब, 400-500 वो लोग कहते हैं, और अगेन 350 पे जाके कहीं देते हैं जब आप बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करें तो, फिर भी उस हिसाब से अभी ये मुझे सस्ती ही लग रही है। ये देखेंगे वॉलपेपर्स, ये मैंने अपने किचन में भी लगाए हैं, मैंने आपको एक आध पहले शॉप पे भी दिखाए थे मौजूद हैं। ये आप अपने किचन काउंटर पे, डाइनिंग टेबल पर, कहीं पे भी लगा सकते हैं, स्टिकिंग होते हैं और ये बहुत अच्छे और यूजफुल आइटम है। ये क्या चीज है, ये क्या यार, ये वो पाउचेज हैं जिनमें आप ऑयल वगैरह आई थिंक डाल सकते हैं, मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये देखा है। सो और देखते जाते हैं यहाँ पे आइटम्स, ये वुडन आइटम्स देखिए आप, नॉनस्टिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं। देन यहाँ पे हम लोगों को ब्यूटी से रिलेटेड आइटम्स मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल नेल्स, बच्चियां बहुत शौक से लेती हैं,
बच्चों के लिए हेयर ब्रश, बेबी हेयर ब्रश। एंड देन यहाँ मुझे खुसे और सैंडल्स वो भी नजर आ रही हैं, पाउचेस और बहुत सारी ज्वेलरी। कॉस्मेटिक्स का कॉर्नर है, ये आप देख सकते हैं। अगेन रीजनेबल प्राइसेस में है, वही $1। परफ्यूम्स बेटे, इसका क्या है? ये दो गिलास 275 के, क्या इसका? ये 275 के दो है, तो ये आपको 6 मिलेंगे, 825 के $3। अच्छा, दो गिलास 275। एंड वो जो बाउल्स हैं उनका क्या है? ये 275 का वन है। अच्छा, 271 ईच, और ये वाला भी 271 का? ये बाउल भी है इसको। ये क्या है? इसको नीचे भी लगा के रख सकते हैं, तो ये बैलेंस रहता है, रहेगा। ओके, ये भी अगेन 275 का है। सही। एंड ये जो कप्स हैं जो आम लोग घर में चाय पीने के लिए यूज करते हैं, इसका क्या होगा? ये 275 के टू है, ये ऑफिस वगैरह में जाते थे। अच्छा, अगेन ये भी 275 के टू है। ठीक है, ये वाले जो है सारे सिक्स के रहेंगे। ये सिक्स का सेट, ये कप्स, ये कप्स सिक्स का सेट कितने का है? 275 का। एंड ये वाला? ये 550 का, $2 में। अच्छा, ये $2 में, ओके। और ये ग्लासेस का सेट भी फिर $3? यस, $2 में, ओके, सही। ये स्टील की चीजें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर, डिफरेंट यूजफुल आइटम्स आपको इधर नजर आ रहे हैं, शू पॉलिश वगैरह, ब्लीच, वॉशरूम क्लीनर्स, ये सब वो चीजें हैं जो नॉर्मल घर में हमारे घरों में यूज होती हैं और रीजनेबल प्राइसेस में है। डेकोरेशन आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं काफी सारे, मुझे नजर आ रहे हैं रेंज में, रीजनेबल रेंज में नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। जितनी महंगाई है, वरना आजकल तो आप पैसे लेके जाए तो वापसी पे खाली बैग के साथ वापिस आते हैं। ये देखा जी, पूरा पार्टी कॉर्नर, किसी बच्चे की बर्थडे, आप बहुत इजीली यहां से चीजें लेके डेकोर कर सकते हैं सब कुछ। ये क्या चीज है बेटा, समझ नहीं आई मुझे, ये क्या है? अत्तर वालों से जो मिलता है गुफुर, जिसको जलाते हैं रूम में, हाँ हाँ हाँ, उसको जला के आप इसमें रख दें तो ओके, और फिर उसकी फ्रेग्रेंस सारे रूम में फैलेगी। इसमें दो तीन डिजाइन आ रहे हैं मुझे नजर, एक यहाँ पे ये है, ये भी वही है और वो उसके पीछे भी वही है। सही सही, ये आई भी है, ये भी जनरेशन बोर्ड रही है, इसको लगा देना रूम में, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अच्छा, ये टच सिस्टम है, टच सिस्टम, और जब हाथ हटा दें तो बंद हो जाएगी, या रूम में लगा दें, हाँ हाँ, तो जब रूम में रोशनी होगी ना तो ये ऑटो ऑन हो जाएगी, ठीक है, गेट खुलता जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बंद हो जाएगी। अच्छा, जैसे नाइट होगी अंधेरे में ये खुद से लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। आर्टिफिशियल प्लांट्स, स्टेशनरी आइटम्स, ये कैंडल्स हैं, इसको जलाएं तो पूरे रूम में खुशबू आ जाए। ये फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स हैं और इसको ऑन करें तो पूरे रूम में खुशबू आ जाती है बाकी। यस, बहुत यूजफुल आइटम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए पोस्टर कलर्स,
रेनबो के। अच्छा मैं ये इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैं अपनी बच्ची को भी जब लेके देती हूँ पोस्टर्स, पोस्टर कलर्स मुझे बड़े बड़े होते हैं ना वो सब मिक्स करके कुछ और ही कलर बना देती है। तो ये छोटे साइज की चीज है, खराब भी होगी तो दिल को इतना कुछ होगा नहीं। जब बड़े बड़े हम लेते हैं ना बॉक्सेस, वो जब खराब होते हैं बस दिल को कुछ होता है बाकी। चले थैंक यू सो मच मेरा बेटा। इधर ये बैक वन, ये खुद सारी चीज है। ये देखो ये छोटी छोटी मक्खियाँ, देन ये गिफ्ट सेट, ये फ्रिज का कवर, और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे घर में भी एक मानो बिल्ली है और जब हम उसको गोद में लेते हैं तो सारे बाल हमारे ऊपर लग जाते हैं। हमारे कपड़े अगर हमने ब्लैक पहने हो तो वाइट उठ के होते हैं। और ये एक ऐसा यूजफुल आइटम है, ये हम ढूंढ रहे थे, तो मैं ज़रूर लूंगी क्योंकि इससे सारे बाल वो जो उसने उसके लगे होते हैं हमारे कपड़ों पे इजीली साफ हो सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल आइटम है, ये तो मैं अभी ज़रूर डेफिनेटली लेके जाऊंगी। बहरहाल यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी और यूजफुल आइटम्स देखने को मिली हैं, और आप लोगों के पास भी जब भी टाइम हो ज़रूर टाइम निकाल के आएँ। और या आप लोगों के घरों के करीब भी अगर $1 शॉप्स मौजूद हैं तो अभी भी यकीन करें वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो रीज़नेबल रेट्स पे ही मिल रही हैं, क्योंकि पाउंड और डॉलर तो बढ़ ही रहा है। तो ज़रूर टाइम निकाल के कहीं शॉपिंग करनी हो तो इन एरियाज में ज़रूर आएँ, रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ मिलेंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।